लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धर्मू, तुम यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब, अब हमारे साथ हवेली चलिए। हवेली किस लिए? हम ठेकेदार को देने के लिए 50,000 रुपया लाए हैं। आप माँ की हवेली वापस दिला दीजिए। देखा सिस्टर, इंस्पेक्टर किशन लाल जानता था कि धर्मू अच्छा लड़का है, इसके मन में कोई पाप नहीं, ये चोरी कर ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है, हम चोरी कैसे कर सकते हैं? हमारी माँ ने हमें चोरी करना सिखाया जो नहीं, फिर भी हम पर चोरी का इल्जाम लग गया। हमें उस इल्जाम का दुख नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें दुख है कि हमारी माँ ने यह विश्वास कर लिया कि हमने उनके जेवर चुराए हैं। अगर हम चोरी करते इंस्पेक्टर साहब, तो 500 रुपए जुर्माना के लिए जेल जाना मंजूर नहीं करते। अगर हमारे पास पैसा होता तो अपनी जान जोखिम में डालकर माँ की हवेली छुड़ाने के लिए डाकुओं से ना जा भिड़ते। अब हमारे पास पैसे हैं, हम ये साबित कर देंगे कि हम चोर नहीं हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम पर से हमारी माँ का जो विश्वास उठ गया है, वो हम कहाँ से वापस ले आए? वो हमसे रूठ गई है इंस्पेक्टर साहब, जिसने बोल दिया था जा धर्मू, आज से तूने अपनी माँ खोती है। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाए इंस्पेक्टर साहब, हम उन्हें कैसे मनाए कि हमारा तो इस दुनिया में भगवान भी नहीं है, सिर्फ माँ है। माँ धर्मू, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। माँ ले उठा 50,000 और हमारी माँ की हवेली खाली कर दे। बादल सिंह कहाँ है? आपके आने की खबर पहुंचा दी गई है सरदार, बताते ही हो। आते ही हमें आ क्यों नहीं अभी तक? सरदार, हवेली तो वहां से चली गई है, लेकिन ठकुराइन के जेवर मैंने संभाल के रखे थे। ठकुराइन के जेवर? ये लो। अरे सुनो, जेवरों में एक अंगूठी थी, ये काम किसे करवाया तुमने? कालू से। कालू को फौरन बुलाओ। वो अंगूठी मैंने अपने खर्चे बने के लिए रखी थी, चूहे में हार गया। चूहे में हार गया? किसके आगे? चक्रधारी के। हराम ज़ादे, उस अंगूठी की कीमत तेरी जान से ज्यादा थी। भाई, माखन सिंह, मुझे चक्रधारी चाहिए जिंदा। नहीं करना, ये छोड़ना, छोड़ना। थैंक यू मेरे दोस्त। अबे 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 अबे, चक्रधारी को चक्कर दे गया, लगता है इसमें मेरे पुरखों की आत्मा है। खैर, एक अंगूठी में आजादी मिल गई। चक्रधारी, कहाँ रह गया था तू? मैं तुझे ढूंढने जा रहा था। अरे यूं समझो हमको तुम बजरंगबली जी ने बचाया। अरे भैया, हम तेरे बहुत आभार। भारी तुम कैसे? भारी एक तो वो सरदार की बेटी और भारी दूसरे हम, तुम कैसे? भैया, तेरे कारण हमारी माँ को उसकी हवेली मिल गई और हमें हमारी माँ। चल, हम तुझे अपनी माँ से मिलाते हैं। अरे चल चल चल। अरे
धर्मू की मां है ठाकुर। क्या? अरे इसका सुहाग और गोद तो मैं कब की उजाड़ चुका हूँ, फिर ये धर्मू कहाँ से पैदा कर दिया इसने? मैं बताती हूँ, ये उस पार्वती का बेटा है जिसका तूने खून किया था, लेकिन वो मुझे मां मानता है और उसका कमीना बाप तू है। अरे ठगराइन, ऐसे बेटे ने जाने कहाँ कहाँ गलियों में घूम रहे हैं, माँ कहलवाने का इतने शौक है तो और भिजवा दूंगा। बलवंत लाओ मत ठगराइन, इस वक्त मुझे चक्रधारी चाहिए और मैंने सुना है कि वो तुम्हारे बेटे धर्मू का जिगरी दोस्त है। धर्मू से कह देना कि अगर वो ठगराइन का जिंदा मुंह देखने चाहता है तो कल सूरज निकलने से पहले माखन सिंह के अड्डे पर चक्रधारी को लेकर आ जाए। मेरे हाथ से धर्मू भैया सारा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों, क्या हुआ? ठकुरायन को बलवंत सिंह उठा के ले गया। बलवंत सिंह कौन? ठकुरायन कह रही थी बलवंत सिंह तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हारी असली माँ का खून किया था। मेरा बाप मेरी माँ का खून? उसने कहा है चक्करधारी को लेकर सुबह तक माखन सिंह के अड्डे पे ना पहुंचे तो वो ठकुरायन को भी जान से मार देगा। मैं जन्म देने वाली माँ को तो बचा नहीं सका, लेकिन पालने वाली माँ को बचाने के लिए उस पापी को खत्म करना ही होगा। दोस्त, यह मैदान जोश से नहीं होश से फतह करना है। सबसे पहले तो इस बात पर गौर कर कि बलवंत सिंह को चक्रधारी की जरूरत क्यों आन पड़ी। भागल सिंह, तुम ऊपर जाओ, उन दोनों का इंतजार करो। जैसे धर्मू चक्रधारी को लेकर आए तुम प्यार से अंगूठी निकाल कर यहाँ जाओ। ठीक है। हाँ तो ठेकेदार, क्या हुआ तुम्हारे उस नाच गाने का? सरदार, शहर से ऐसी चीज मंगाई है जो ठुमका लगा के दिल निकाल लेगी। अच्छा। अनारकली नाम है उसका। अनारकली? हाँ। आ गए चक्रधारी। हाँ? अरे चक्रधारी कहाँ का भाई, चक्र तो कुरुक्षेत्र के मैदान में रह गया, अब तो सिर्फ धारी बाकी है। अपने सरदार को बोलो मैं चक्रधारी को ले आया, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दे। ठीक है। अरे सुनो भाई सुनो, सोचो, इसमें तुम्हारी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो कैसे? ऐसे कि हम भी बदमाश हैं, तुम भी बदमाश हो, हैं? हम दोनों को आपस में एक दूसरे के फायदे की सोचनी चाहिए। मतलब यह है मेरा, देखो ये मुझे पकड़ के लेके आया है अपने फायदे के लिए, तुम मुझे जाकर सरदार के हवाले करोगे उसके फायदे के लिए, नुकसान किसका होगा? तुम्हारा और मेरा, और फायदा इन दोनों का होगा। सोचो, जान जाएगी तो हम दोनों की जाएगी ना, है? अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये जायज है, क्या ये इंसाफ है? तुम लोगों का यूनियन नहीं है कोई? यूनियन? ये यूनियन क्या होती है? ओफो, यही तो गांव के डाकू मार खाते हैं, यही नहीं समझते तुम लोग? देखो अब ये गाँव का डाकू था, इसको मैं ले गया शहर में, शहर के डाकुओं के यूनियन में, हम आ जाके इसने अपना नाम लिखवा दिया। अब ओलिया देखो इसका, है लगता है ना हीरो, घूम जा घूम जा। हाँ, इस आदमी ने क्या किया वहाँ, वहाँ जाके अपना नाम लिखवा दिया, दो चार नारे लगा दिए, उसका महंगाई भत्ता चालू हो गया, TA, DA, प्रोविडेंट फंड सब कुछ। अब नारे लगाने हैं तो सुनो, डाकू यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, डाकू यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। कुत्तों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? सुना, तुम लोगों से कह दिया कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, चिल्ला रहे हो, अगर तुम लोगों का यूनियन होता तो इसकी मजाल नहीं होती बोलने की, जैसे ही बोलता तुम लोग हड़ताल कर देते, डाकुओं की हड़ताल, गोलियां बंद, डाके डालना बंद, टोटल लॉकडाउन। हाँ जी, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं साहब, इनको गीता का उपदेश दे रहे थे हम। अरे गीता का उपदेश, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो ना अंदर खाना खाएंगे, हम भी कुछ गीता का उपदेश लेंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, तुम भी चलो ना। सुना, अब मुझे अंदर ले जाके भड़काएगा, खाना खिलाएगा, बोलेगा मेरे जितने भी डाकू हैं सबके सब नामर्द हैं, कोई काम नहीं जानते। डाकू यूनियन जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल ठीक, डाकू यूनियन जिंदाबाद, हम अपनी यूनियन, डाकू यूनियन जिंदाबाद। आओ चक्रधारी बैठो, बहुत अच्छा खाना है। आप बहुत महान है डाकू भाई जी, बहुत महान है। देखिए आपकी हमारी कितनी बार खटक चुकी है, लेकिन आप फिर भी हमारी कितनी आवभगत, कितना स्वागत करते हैं। चक्रधारी, हम तुम्हारी रोज खातिर करेंगे। हमारे सरदार ने कहा है कि तुम्हारे पास एक अंगूठी है और उस अंगूठी के लिए सरदार तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार है।
हाँ देखो ना, देखो कर गए ना वो लोग। अब वो लोग अंगूठी हाथ मिलाने के बहाने जो अंगूठी उन्होंने उतार ली मेरे हाथ। ओ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, आपके डाकू में पॉकेट मार भी है। वो अंगूठी गई गई गई, वो अंगूठी गई, अब आपको नहीं मिल सकती वो। हम ले लेंगे उनसे। नहीं आप नहीं ले सकते, वो लोग नमक हराम है। अरे हम उनका नमक उतार देंगे। अरे वो कह रहे थे हरामजादे कुत्ते की औलाद, हम तुम्हारा पानी उतार देंगे। अरे मैं देखता हूँ कान में कितना पानी है। अरे वो कह रहे थे आप कुछ देख ही नहीं सकते साहब, आप कुछ है ही नहीं। हम कुछ नहीं है। नहीं है, हम उनको जाके बता देंगे हम कौन है। अरे ओ मुद्दे की औलादो, इधर आओ। अबे मुद्दे की औलादो भी कोई गाली होती है? इनके माँ बाप को सुअर का, कुत्ते का, गधे का रूप दो। अरे सुअर के बच्चों, इधर आओ। ये देखा, ये आहिस्ता चल के आना जो है ना, ये नमक हरामी की पहली निशानी है। इनसे कहो जल्दी आए। तुम लोग नमक हराम हो क्या? दौड़ के नहीं आ सकते? एक और गाली दे दे। गधे के बच्चे, सुनो, तुम में से किसी के पास चक्रधारी की अंगूठी है? हमको वो अंगूठी चाहिए, आप भी जेब से निकाल के दो। ऐसे नहीं देंगे, लालच दो पहले, लालच बोलो अंगूठी दो, मैं 20,000 रुपए देता हूँ। अबे देना किसने है, खाली बोलने की बात है, तुम बोल के तो देखो, जलील डाकू है ना। जो हमको अंगूठी देगा हम उसको 20,000 रुपया देंगे। ऐसे नहीं होता। अरे देखो ये लातों के भूत हैं, इनसे कहो एक दूसरे को मार मार के वसूल करें, और घूसों की आवाज तुम तक आनी चाहिए। ए सुनो, एक दूसरे को मार मार कर जेब टटोलो और अंगूठी निकालो, घूसों की आवाज हम तक आए। बोल मेरी माँ को कहाँ रखा है? बोल। तुम लोग वहां नहीं जा सकते, तुम्हें देखते गोली मार दी जाएगी। तो हमको खाली जगह बता, गोली से बचने के लिए चक्करधारी को चक्कर चला लेगा। बोल। वहां फाटक के पास सीढ़ी है। चल। देखो देखो, इसमें खजाने का नक्शा है। इसमें ठाकुर साहब ने लिखा है इस खजाने के पैसे से हनुमान मंदिर बनाना है, एक विशाल मंदिर। मेरी चिंता बरकत धर्मू उसके बलबंद के पीछे जा।
पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फिर भी खजाना दे दिया। मैं पाया हो जाऊंगा, खजाना मिल गया। भगवान की अमानत खजाने को बचा ले, तुझे मां कहता।